एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे कि बेटा ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे, है ना। तो एक बार फिर से बेटा टेबल जान लेते हैं। आपको डेटा समझ लेना बेटा कि साइन का वैल्यू क्या से क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टैन का क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ध्यान देना है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, क्योंकि अगर वैल्यू आपको नहीं पता है तो ग्राफ में आप परेशान होंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि हम वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक यहाँ से लिखते थे पहला फॉर्मेटा साइन, देखिएगा, है ना। यहाँ से क्या लिखते बेटा साइन एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ से बेटा हम ले लेते हैं कि साइन जीरो, ठीक है बेटा, और 30 देखना है बेटा अपने पास, चलिए ग्राफ हम बताएंगे, है ना। तो वैल्यू समझना है बेटा, ठीक है, यानी 0, 30, 45, 60, इस तरह से ले लीजिए बेटा अपने पास, 90, 120, ठीक है बेटा। उसके बाद आप 150, 180, क्लियर है बेटा। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर बेटा आप एक वैल्यू चलिए ले लेते हैं, -30, -60, -45, -90 एंड सो ऑन, एंड क्या कर देते बेटा सो ऑन। तो साइन का ग्राफ यानी साइन जीरो बेटा जीरो, 1/2, 1/2, √3/2 बेटा ये कितना 1, साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट √3/2, है ना बेटा। उसके बाद 180, है ना, यानी 1/2 फिर जीरो बेटा, -1/2 -√3, यहाँ पे बेटा दे दीजिए -45 एंड 60। तो -1/2, -√3/2 और -1, यानी इस तरह से वैल्यू समझना है बेटा। तो पहले साइन का ग्राफ आप देखिए, ठीक है बेटा, जीरो तो किस तरह से जा रहा है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे 90 पे। फिर बेटा 180 तो कितना है ना, 180 तो जीरो, 180 तो क्या हो गया बेटा जीरो। चलिए एक सेकंड क्वाड्रेंट पे और इंक्रीमेंट ले लेता हूं आपको, यहां से देखिए बेटा, है ना, ये आपके पास इस तरीके से बताया और बताएगा कि साइन 210, ठीक है बेटा, 210, है ना। उसके बाद बेटा 240, 240 के बाद बेटा 270। तो आप देख सकते हो बेटा कि 200 तो साइन 210 कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 180 प्लस 30 यानी बेटा अपने पास क्या, -√3/2, -√3/2। फिर बेटा 180 प्लस 60, है ना। आप इस तरह से देखना है कि अपने पास चली साइन 210 क्या होता है, तो क्या लिखोगे बेटा 210, दैट मींस साइन देखिए बेटा 180 प्लस कितना 30, तो माइनस साइन 30, दैट मींस बेटा -1/2, -1/2। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं 240 का कितना, तो 240 का निकाल लेना बेटा कि 240 दैट मींस साइन 180 प्लस कितना 60, दैट मींस बेटा माइनस साइन 60, -√3/2 एंड -1, क्या हो गया बेटा, तो -1, ठीक है ना। तो ये बेटा क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू देखिए कितना -1, है ना, यानी साइन का ग्राफ बेटा इस तरीके से और दिस वन, यानी यहां पे देखिए बेटा
तो साइन का क्या हो रहा है, यानी यहाँ पे आप देखिए तो साइन, दिस इज द फंक्शन ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, किसका है ना, तो साइन एक्स का कैसे था, तो आप टेबल देखिए कि साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है, तो -1 to 1, क्या कर रहा था, -1 to 1, यानी 0 से 90 में इंक्रीज किया, क्या किया बेटा, 0 से 90 में इंक्रीज किया है, फिर 90 से 180 में डिक्रीज किया, 180 से 270 डिक्रीज कर रहा बेटा। अब आगे और बोलोगे कि सर हमें इच्छो इच्छा हो रहा है कि 300 का बताओ, 300 का बताओ, तो 360 माइनस 60, तो -√3/2, 360 माइनस 60, तो साइन -60 यानी बेटा उस 3/2, 330 तो -1/2, 360 तो 0, देखिए बेटा 180 यहाँ पे, 270 यहाँ बेटा, 360, आप बोल सकते हैं बेटा इस तरह से वैल्यू बढ़ते जा रहा है, -90 तो -180 में वही हो बेटा -360 है ना, तो ये आप साइन का ग्राफ इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, यानी हर एक बार साइन नीचे कहा गया बेटा तो -1 ऊपर 1, साइन का ग्राफ -1 से 1 तक चल रहा है, कहाँ चल रहा है बेटा, -1 से 1 तक चल रहा है, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। एक बात फिर बेटा, आप 11th में हैं, cos y equal to cos x का ग्राफ देखना है, ठीक है बेटा, तो 0, 30, 45, 60, 90, 120, है ना बेटा, 150, 180, 210, 240, 270 बेटा, 300, 330 एंड 360, क्लियर है, ये हमने पॉजिटिव वैल्यू के लिए बनाया, किसके लिए बनाया, पॉजिटिव के लिए, अब आगे आ जाइए है ना, तो -30, -60, -45, -60, -90, -120, -150 बेटा, -180 है ना, -210, -240, -270, ठीक है बेटा, -300, -330 एंड -360, तो अब बताओ बेटा साइन 0 एलाइड एंगल आपने निकालना बता दिया है, ग्राफ बनाने में इजी होगा, वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, और मैंने लिखा था बेटा कि कॉस का रेंज तो -1 से 1, साइन का रेंज -1 से 1, कहां से आ रहा है वो मैं दिखा रहा हूं, यानी साइन थीटा का वैल्यू जितना बढ़ाते जाओगे फिर भी 1 से छोटा और बन देगा, जितना डिक्रीज करोगे -1 से बड़ा और -1 देगा, ठीक है बेटा। अब यहां से देखिए तो cos 0 30 √3/2, 1/2, 1/2, 0, 120 कितना, तो 120 अब बताइए है ना कि -1/2 कितना बेटा, -1/2 पूछिए क्यों, cos 90 + 30 है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव -1/2, 90 + 60 तो -960, -√3/2, -1, अगेन 180 + 30 तो -cos 30, -√3/2, -√3/2, और 60 है ना, -1/2, 0,
कितना बेटा जीरो 300 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन फेमस तो कॉस तो 360 माइनस 60 तो कॉस 60 1/2 है ना बेटा अब तो कितना तो देख लीजिए कि अपने पास 3/2 और 1 अब तो ये हमने पॉजिटिव का सीख लिया बेटा है ना अब इस तरीके से देखना है बेटा कि अपने पास -30 कितना बोलोगे √3/2 ही देगा तो 1/2 देगा बेटा है ना और 1/2 0 अगेन -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का एंगल नेगेटिव फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कॉस का एंगल नेगेटिव फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है यानी बेटा -1/2 -√3/2 -1 -√3/2 -1/2 0 1/2 √3/2 और 1 यानी दोस्त क्या समझना है तो अपने पास इस तरीके से है ना कि by dash x dash और x समझिए बेटा जब cos 0 था तो कहां पे 1 पे अब बेटा cos 90 आया cos 90 angle 90 तो cos कितना 0 बेटा 120 तो वैल्यू घटते गया है ना वैल्यू क्या होते गया बेटा घटते गया यानी फिर दिस वन एंड दिस वन ऐसा कर दीजिएगा ए 90 ए 270 है ना बेटा ए 270 माइनस 1 कहां बेटा तो 180 पे प्लस 1 बेटा कहां तो 360 पे इस तरह से वैल्यू आप डाल सकते हो ठीक है बेटा यानी दिस वन देखिएगा माइनस 90 माइनस 180 माइनस 270 एंड 360 पाई में भी बोल सकते हो बेटा देखिए कि मैक्स मिनिमम वैल्यू माइनस 1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 एक बात ध्यान देना बेटा कि आप देखिए 0 पे 0 दे रहा है 0 पे 0 दे रहा है यानी यहां क्या रहा होगा बेटा यहां क्या रहा होगा तो देखिए कि यहां 30 अगेन 60 45 60 90 तो जिस जिस तरह से वैल्यू बढ़ रहे हैं कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है 0 टू 90 में कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है और 90 टू 180 में 0 से 180 तक बोलोगे कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है फिर बेटा 180 टू 360 इंक्रीज 360 टू 450 डिक्रीज आप इस तरह से नेचर समझ जाएगा यहां से समझो 0 टू -180 0 टू -180 डिक्रीज -180 टू 360 -360 डिक्रीज है ना तो ये आपका cos का ग्राफ है किसका ग्राफ है बेटा cos का कोई दिक्कत समझने में नहीं है ना यानी इस तरह से समझ सकते हो ठीक है ना बेटा बहुत बढ़िया One
210, 240, together 270, 300, 330, 360. चलिए बहुत बढ़िया, ये पॉजिटिव की ओर आगे वैल्यू आप निकाल लोगे। ये दिस वन पॉजिटिव था बेटा, यहाँ पे अब आते हैं निगेटिव के लिए। माइनस 30, माइनस 45, माइनस 60, माइनस 90, ठीक है, माइनस 120 बेटा, माइनस 150, माइनस 180, माइनस 210, माइनस 240, माइनस 270, माइनस 300, माइनस 330, माइनस 360। अब देखिए बेटा, टेन जीरो जीरो, टेन 30 तो साइन 30 बाई कॉस 30, साइन 30 बाई कॉस 30 वन बाय रूट 3, 45/√3 इनफिनिटी। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, आपको ध्यान देना है। तो बेटा इसको cos tan 120 90 प्लस 30 चेंज हो जाएगा, तो माइनस cos 30 माइनस रूट 3 कितना बेटा, माइनस रूट 3 कितना, तो माइनस रूट 3 150, 90 प्लस 60 यानी माइनस 1 बाई रूट 3 180 अगेन 0 210। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो tan 210, tan 210, tan 180 प्लस 30 तो tan 30, tan 30 1 by root 3 कितना, 1 by root 3 180 plus 60 तो tan 60 root 3 minus infinity। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan negative, 300 तो 360 minus 60 तो minus tan 60 यानी minus root 3 और minus 1 by root 3 और 0, क्या हो गया बेटा, 0। अब आपको समझ लेना है तो बहुत आसान, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ये पढ़ा चुके हैं बेटा कि माइनस tan थीटा क्यों ऑड फंक्शन है, तो इस सब में माइनस देगा ना बेटा, तो आप लगा दीजिए माइनस 1 बाय रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3 माइनस इनफिनिटी, और जहां निगेटिव वहां पॉजिटिव, जहां निगेटिव वहां पॉजिटिव, 150 1 बाय रूट 3 180 0 210 है ना, तो निगेटिव 210 पे कितना बेटा, तो माइनस 1 बाय निगेटिव है ना, क्यों, क्योंकि एक चीज मैं बता देना चाहूंगा बेटा, माइनस 210 तो माइनस tan 210, और देखिए माइनस tan 180 प्लस 30 तो क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव यानी माइनस tan 30 दैट मींस माइनस 1 बाय रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस है ना माइनस इनफिनिटी, ठीक है ना, क्या लिख लोगे, तो इनफिनिटी है ना। अब देखिएगा 180 प्लस 90 है ना, तो यहां से आपका निगेटिव, 300 बेटा माइनस माइनस कितना पॉजिटिव तो रूट 3 है ना, कितना बेटा 1 बाय रूट 3 एंड 0, ठीक है। एक बार देख लेना 270 tan माइनस 270, ठीक है बेटा। अब हम इसके ग्राफ की ओर बढ़ते हैं ना, वैल्यू चेक कर लेना है एक बार, ठीक है, थोड़ी बहुत वैल्यू निकालने में बाय मिस्टेक हो सकता है, तो आप बेटा यहां से देखिए कि
कि अपने पास कि क्या करना था, दिस वन एंड दिस वन, ये क्या होगा तो 90, यहाँ पे कितना है माइनस 90। अब आगे बनाइए बेटा, 180 से ऊपर में दिस वन एंड, ठीक है बेटा, ये कितना है, ये कितना है 270 है ना। अब इसी तरह से बेटा अपने पास ले सकते हो दिस वन एंड दिस वन 360, इसी तरह से बना सकते हैं बेटा अपने पास में। अगर आप इसी तरह से ड्रॉ नेगेटिव साइड भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हो सर 90, तो 90 में बेटा कितना इंफिनिटी, फिर देखिए बेटा है ना, ये सब भी वैल्यू है, तो ये सब वैल्यू पे क्या दे रहा, नेगेटिव दे रहा, 90 के बाद आ जाइए प्रभु 120, तो यहाँ पे कितना ले सकते हो माइनस 3। बेटा अगर आपके पास 135 रहा होता तो कितना माइनस 1, कितना माइनस 1, यानी इस तरह से टाइम का ग्राफ हमने क्या किया बेटा सीखा, कोई दिक्कत है ना, कमेंट करना है। एक बार फिर हाजिर लेके आता हूं ना, पाई इक्वल टू, ठीक है, कोसेक एक्स। अब इससे आसान ग्राफ हो ही नहीं सकता है, कोसेक से कॉट से ग्राफ, इस ग्राफ इस तीनों के ग्राफ से आसान हो ही नहीं सकता, पूछो क्यों। तो यहां से लिखना बेटा कि फर्स्टली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन, क्या करना है बेटा, तो पहले साइन का ग्राफ बना देना है, इसका ग्राफ बना रहेगा साइन का, तो बहुत मजा आने वाला है, क्यों, क्योंकि साइन का ग्राफ सबको समझ में आया है ना, साइन का ग्राफ बेटा सबको समझ में आया है। तो देखिए कि साइन क्या करता है बेटा, तो दिस वन, है ना, एंड अगेन नेगेटिव साइन दिस वन, ठीक है बेटा। देखिए अब आपको ध्यान देना है, यहां 90, यहां 270, यहां बेटा तो 450, 360 प्लस 90, 450, यहां बेटा, ठीक है, 630, या आप ऐसे समझो दिस वन पाई बाई टू, 3π/2, दिस वन 5π/2 एंड दिस वन 7π/2, टेंशन नहीं लेना है ना, क्या नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना बेटा, क्या 180 जिसको पाई भी बोलते हो, यहां बेटा तो 360 जिसको 2π भी बोलते हो, यहां बेटा 3π, यहां बेटा 4π, सर बहुत मजा आ रहा है, तो इसी तरह से माइनस 1 तो माइनस π/2 बेटा, माइनस पाई कितना है ना, तो माइनस 3π/2 है ना, माइनस 5π/2 माइनस 2π और माइनस
5. बताइए बेटा साइन 91 कोसेक 91 कोसेक 90 तो इन्फिनिटी, कोसेक 90 कहाँ पे? इन्फिनिटी. और कोसेक 180 ऑल्सो इन्फिनिटी. कोसेक 180 बेटा ऑल्सो इन्फिनिटी है ना. एंड दिस यानी जहां से साइन ग्राफ मुड़ रहा है वहां से कोसेक ऊपर की ओर जा रहा है, यानी जितना डिस्टेंस में नीचे की ओर आया ना उतना डिस्टेंस में वो पूरा इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा. एंड दिस वन क्यों बेटा? कोसेक 3π तो इन्फिनिटी, कोसेक 360 इन्फिनिटी है ना. अगेन दिस वन. ठीक है बेटा, तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा है ना. यानी ये बेटा आपको ध्यान दीजिएगा कि यहां से इस ग्राफ को पार नहीं करना है. क्या नहीं करना है? पार नहीं करना है. यानी दिस वन क्यों 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 तो साइन 180 कितना है ना, बस भाई साइन 180 कोसेक 180 और कोसेक 180 कितना तो इन्फिनिटी. देखिए बेटा कोसेक 180 इन्फिनिटी, फिर बेटा कोसेक 0 तो बस भाई साइन 0 अगेन इन्फिनिटी, अगेन इन्फिनिटी. 360 साइन 360 0 तो कोसेक 360 जस्ट उल्टा इन्फिनिटी. कोसेक 3π साइन 3π 0 कोसेक 3π इन्फिनिटी. यानी मैंने क्या बोला बेटा, इससे आसान ग्राफ हो ही नहीं सकता. साइन बना दो, साइन नीचे की ओर आ रहा है तो इसी के ऊपर से कोसेक ऐसा चला जाएगा. समझ में आ रहा है? यानी इस तरह से आप अगर कोसेक बनाने बोल रहा है तो फर्स्टली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन. क्या करो बेटा, फर्स्टली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन. साइन का बनाओ, जिस इंटरवल में साइन का ग्राफ नीचे की हो उस इंटरवल में कोसेक ऊपर जा रहा है. क्या जा रहा है? कोसेक ऊपर जा रहा है. देखिए 0 से 180 के बीच में x एक्सिस पे टच किया तो वो मुंह ऊपर की ओर खोल दिया है ना, ऊपर की ओर. 362 यानी बेटा 2π टू 3π. देखिए साइन क्या कर दिया, 0 से चला 0 पे आ गया तो यहां पे बेटा क्या है, कोसेक इंफिनिटी से चला इंफिनिटी पे चला गया, इंफिनिटी से चला इंफिनिटी से चला गया. यानी इंफिनिटी से चल के आया 1 पे, फिर 1 से इंफिनिटी की ओर मूव कर लिया. क्लियर? अब बेटा देखना है नेक्स्ट में है ना कि y इक्वल टू sec x, तो इसमें भी क्या करोगे, फर्स्टली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कितना, फर्स्टली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x. ठीक है ना, ग्राफ ड्रो कर दीजिए.
बना देते हैं 5/2, 3/5/2, 5/2, 7/5/2 और 9/5/2 यहाँ तक कितना, यानी cos जब जब 90 का मल्टीपल आता है ऑड नंबर तब तब 0, यानी बेटा cos x equal to 0 देन x equal to क्या, तो 2n+1 × π/2 और n belongs to z या I integer। देखिए यहाँ पे लीजिए बेटा 0 तो cos pi by 2 0, 1 लीजिए cos 3 pi by 0, 2 लीजिए cos 5 pi by 0, 3 लीजिए cos 7 pi by 0, है ना। यानी इस तरह से ध्यान देना है बेटा, तो यहाँ पे क्या -3π/2 -5π/2 -7π/2 आ जाएगा बेटा, यहाँ कितना तो -π, यहाँ का -2π एंड इस पर ठीक है तो -3π। देखिए बेटा पाई 2π 3π और क्या, तो अपने पास 4π। बताया था बेटा ये सब रियलाइज करना है कि cos x equal to 1 then x equal to 2n π, n belongs to I integer, यानी जब जब 2n π के फॉर्म में cos का एंगल होगा तब तब बन देगा cos x equal to -1 तो x equal to 2n+1 × π। जब जब बेटा है ना पाई का मल्टीपल ऑड नंबर तब तब बन देगा। अब बात क्या है देखिए, a 1 से चला 0 पे, इधर भी 0 पे, तो आप इसको क्या करना है बेटा, जहां पे cos 0 वहां पे से इंफिनिटी को देता है। देखिए बेटा जहां पे cos 0 वहां पे से इंफिनिटी है ना, यानी इस तरह से देख लीजिए बेटा आपके पास बेटा, ठीक है। अब आ जाइए बेटा यहां इसमें, इसी तरह से मोड लगाते हो बेटा
लेस देन इक्वल टू मोड कॉस एक्स, तो लेस देन इक्वल टू कितना, यह एक पॉइंट अपने को ध्यान देना, ठीक है बेटा। चलिए एक थर्ड पॉइंट और मैंने एंट्री करना है अपने पास, कि अगर पावर ऑड पावर दिया जाए, कितना पावर दिया जाएगा, ऑड पावर, ठीक है। अब अपने पास देखिए तो देखना बेटा कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 2n प्लस 1 पावर दे दिए और n बिलोंग्स टू इंटीजर है ना। यहाँ पे बेटा जब पावर 2n प्लस 1 और पावर है, देख लीजिए है ना, मैंने पावर का फॉर्म लिखा है, क्या लिखा है, पावर का फॉर्म। एग्जांपल भरोगे तो माइनस वन लेस देन इक्वल टू साइन क्यूब एक्स लेस देन इक्वल टू वन, बेटा माइनस वन लेस देन इक्वल टू कॉस नाइन एक्स लेस देन इक्वल टू वन, यानी जब जब साइन और कॉस में पावर ऑड नंबर तो रेंज में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए 2n प्लस 1 एक असिंडर ऑड नंबर का फॉर्म है, क्योंकि n कुछ भी डालोगे, कुछ क्या इंटीजर डालना है, क्या डालना है बेटा, इंटीजर डालना है ना, ठीक। यानी और देखना है वैसे बेटा टैन का है ना, बेसिक में हमारा फोर्थ पॉइंट है तो माइनस इंफिनिटी लेस देन टैन एक्स लेस देन बेटा क्या इंफिनिटी। अब याद रखना होगा कि अपने पास इंफिनिटी प्लस के इंफिनिटी है ना, रिमेंबर दिस पॉइंट है ना, यानी रिमेंबर दिस पॉइंट इंफिनिटी माइनस के इंफिनिटी, के माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी बेटा इंफिनिटी, वन अपॉन इंफिनिटी यानी कॉन्स्टेंट अपॉन इंफिनिटी, ठीक है बेटा, यानी ये नोन टर्म्स है, ये क्या है नोन टर्म्स, तो रिमेंबर रखना है इंफिनिटी पे पावर समथिंग कुछ भी 2 3 फिर भी क्या लिखोगे इंफिनिटी है ना। तो अब देखिए बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो लेस देन इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी, यानी जब जब पावर इवेन नंबर तब टेन का रेंज कितना, 0 लेस देन इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी, यानी आप ऐसे समझ लेना बेटा पावर 2n लेस एक्स लेस देन इंफिनिटी, 2n क्या है तो इवेन नंबर है। सेम थिंग बेटा समझना साइन कॉस का भी, यानी अपने पास 0 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स 2n दे दीजिए है ना, 2n less than equal to 1, 2n क्या है तो इवेंट नंबर है, क्या है बेटा इवेंट नंबर, cos के लिए भी तो cos raise to 2n x less than equal to 1, 2n क्या इवेंट नंबर और n belongs to i इंटीजर लेना है। इसी तरह से बेटा 4 less than equal to 10x less than equal to this one and less than equal to infinity। अब तीन का हम बताएं बेटा, बाकी तीन आप निकाल सकते हो। इसी तरह से बेटा minus infinity less than 10 क्या odd number 2n plus 1 in है ना x less than infinity, ये क्या है तो odd number है, क्या है ऑड नंबर है और n बिलोंग्स टू y है, तो हम तीन का बताए बाकी तीन आपको करना है ना, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा कि आपसे कोई बोल रहा है कि साइन स्क्वायर का बनाइए सर, तो सबसे पहले बेटा आप क्या करना, साइन एक्स का ग्राफ बना दीजिए, क्या कर दीजिए बेटा, या तो ये वैल्यू क्या दे रहा है तो 0 2 1 है ना, तो
साइनस का ग्राफ बना देता हूँ बेटा, उसके बाद मैं जो होने वाला है वो करेंगे ना। स्क्वायर है बेटा, तो ये नेगेटिव वैल्यू को किसमें बदल लेगा, पॉजिटिव में है ना, और इसको क्या कर दीजिएगा, डॉटेड लाइन निकाल दीजिए टेम्पोरली है ना, यानी ए रिफ्लेक्ट कर रहा, ए रिफ्लेक्ट करके अपना इमेज ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहा, ये भी क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट करके इमेज ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहा है, क्लियर है ना। ए भी बेटा क्या कर रहा है, जितना दूर में निगेटिव है तो एक पॉजिटिव की ओर बना रहा है, और ये डॉट के बेटा वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, यानी इसको हटा सकते हो, इस वाली का ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है ना, यानी साइन स्क्वायर एक्स ऑलवेज जीरो से वन के बीच करता है, ठीक है बेटा। तो यही ग्राफ इसका है, और इसी को मोड साइन एक्स का भी ग्राफ यही बनेगा, यानी इस ग्राफ का नाम साइन स्क्वायर एक्स बोलो या साइन मोड साइन एक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा हम, थैंक्स। और ग्राफ, और एक बार बुक पढ़ना है पहले, थोड़ा सा ग्राफ पे ध्यान देना है, समझ में आएगा, टेबल बेस्ड है बेटा, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू का अप्लाई कर रहा है। थैंक्स, बाय, नेक्स्ट।